नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिवाइन परमिटेक में। तो दोस्तों, जैसे देख रहे हैं, मैं अभी बाथरूम में आपको पानी का प्रेशर दिखा रहा हूँ। ये एक टैप मैंने ऑन किया है, ये हमारा कोल्ड वाटर का है और ये हमारा हॉट वाटर का है। तो देखिए दोनों में प्रेशर कितना कम आ रहा है। तो दोस्तों, शायद आपके घर में भी ये प्रॉब्लम हो, पानी का फोर्स कम आता हो, पानी का प्रेशर कम आता हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि पानी का फोर्स कैसे बढ़ाया जा सकता है, और मैं आपको जो हमारा हॉट का है उसमें पहले तो थोड़ा तेज आ जाता है पर लेकिन बाद में फिर धीरे हो जाता है। और वॉश बेसिन तो देखिए बिल्कुल ही कम आ रहा है वॉश बेसिन में। और मैं भी शावर में ही दिखाऊंगा। शावर में तो कहावत सूटेबल होती है कि आदमी नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। मैं आपको एक बार शावर का भी चला के दिखाता हूँ। स्टार्टिंग में थोड़ा तेज आएगा, फिर उसके बाद बिल्कुल धीरे हो जाएगा कि आदमी नहाए कैसे उसमें। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको दिखाते हैं कि पानी का फोर्स कैसे बढ़ाया जा सकता है, पानी का प्रेशर कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, पानी का प्रेशर दो तरीके से बढ़ सकता है। या तो जो हम पाइपलाइन डालते हैं, फिटिंग करते हैं, उसका गेज थोड़ा मोटा रखें, आधा इंची, एक इंच, आधा इंची ना डाल के एक इंची डालें या डेढ़ इंची डालें, या फिर टैंक की हाइट को ऊपर रखें। तो दोस्तों, हम टैंक को तो ऊपर नहीं रख सकते और ना अपनी लाइन चेंज कर सकते हैं क्योंकि सारी लाइन कंसील है। तो हम दूसरा तीसरा तरीका लाएं जिसे कहते हैं प्रेशर पंप। तो हम जो हमारी जो आउट है टैंक से, उसमें हम प्रेशर पंप लगाएंगे। तो देखिए, ये हमारी उषा कंपनी की मोटर है जो कि 0.50 HP की है, और हमारा जो है ऑटोमेटिक पंप कंट्रोलर जो है वो KSB कंपनी का है। तो आज हम इसको दिखाएंगे आपको इंस्टॉल करके, और पानी का प्रेशर दिखाएंगे किस तरीके से पानी का प्रेशर बढ़ाया जा सकता है। तो हम अपनी पहले एक बार मोटर को अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, और अनबॉक्सिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारी मोटर है जो है, ये दिखने में छोटी है पर लेकिन प्रेशर फोर्स जो है दो टॉयलेट के लिए बहुत बढ़िया है। ये दो टॉयलेट के लिए या एक टॉयलेट एक किचन के लिए बहुत बढ़िया फोर्स देती है ये। और जो हमारा ऑटोमेटिक कंट्रोलर है, ये भी KSB कंपनी का, बहुत बढ़िया कंपनी का है। तो अब हम इसको दिखाता हूँ मैं आपको बिल्कुल इसको अनबॉक्सिंग करके। तो हमने मोटर को और अपना जो ऑटोमेटिक पंप कंट्रोलर है उसको बॉक्स से बाहर निकाल लिया है, और अब हम फटाफट जो है इसकी फिटिंग कर लेंगे, इसमें MTA वगैरह जो है वो फिट कर लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बनिएगा क्योंकि आज जो पंप हम लगा के दिखाएंगे वो कुछ अलग तरीके से लगा के दिखाएंगे। प्रेशर पंप बहुत देखे होंगे आपने लगते हुए, पर आज जिस तरीके से हम लगाएंगे वो कुछ अलग तरीके से लगाया जाएगा पंप। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, हमने अपने प्रेशर पंप को असेंबल कर लिया है, और ये हमारा टैंक है जिससे हमारा प्रेशर पंप कनेक्ट होगा, जिससे पानी सक्शन होगा और यहीं से डिलीवर होगा। तो देख जैसे आप देख सकते हैं, ये हम अभी इसको टैंक को इंस्टॉल कर रहे हैं, यहाँ से खोल रहे हैं और इसमें जो पानी है उसको खाली करेंगे। तो दोस्तों, ये टैंक जिस प्लम्बर ने पहले लगाया था तो उसने सारी फिटिंग यहाँ उल्टी की हुई है। आप देख सकते हैं, जैसे पहले यूनियन दी हुई है फिर बॉल। हमेशा जब टैंक से जो आप निकालते हैं तो पहले बॉल आना चाहिए फिर यूनियन आना चाहिए। खैर, अब हम इसको ठीक करके प्रॉपर तरीके से इसको फिर से इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों, हमने अपने टैंक को हटा दिया है और जहाँ हमारा प्रेशर पंप रखना है हमने उसको वहाँ लाकर रख दिया है। और सबसे पहले हम जो हमारे जो बॉल गलत लगे हुए हैं उनको काट कर डिस्कनेक्ट कर देंगे वहाँ से। तो देखिए, हम ये जितने बॉल हैं हम सबको हटा देंगे यहाँ से जो गलत तरीके से लगे हुए थे, अब उनको हम सही तरीके से लगाएंगे। ने अपने जो बॉल गलत तरीके से लगे थे उनको काट कटा दिया है, उनको इस तरीके से काटा है ताकि उनको दोबारा यूज कर सकें। और दोस्तों, ये हमारा NRV है जिसे नॉन रिटर्न वॉल कहते हैं। तो ये देखिए, हम पहले इसको लगाएंगे जो हमारा एयर के पाइप है उसके पास में,
ये हम तीनों में लगाएंगे, ये हम तीनों में से लगाएंगे, क्योंकि हमारे तीन आउटलेट हैं, एक हमारे किचन का है, एक हमारे वॉशरूम का है, बाथरूम का है, और एक हमारा जो है छोटा सा पाउडर रूम है, उसमें सिर्फ वॉश बेसिन और एक टॉयलेट सीट है, तो उसके लिए है। तो उसके लिए मोटर काफ़ी सुटेबल है इन तीन चीज़ों के लिए। तो अब देखिए हम ये यूनियन को भी यहाँ से काट कर डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये गलत तरीके से लगाई थी, तो अब इसमें हम वॉल्वो लगाएंगे। तो दोस्तों हमने अपने बोलवॉल और एनआरवी को लगा दिया है, और अब हम मोटर से जो हमारा आउट जाएगा, जो हमारा प्रेशर पंप है उससे जो आउट जाएगा, उसको इन जो हमारे आउटलाइन है जो हमारे एयर के पाइप है, उससे इसकी कनेक्टिविटी करेंगे। तो दोस्तों जो हमारे एयर के पाइप हैं, हम उनको काट लेंगे और उनमें बोलवो फिट करेंगे। तो हमारे तीन एयर के पाइप हैं, तो तीनों को कटिंग करके उनमें बोलवो लगा देंगे। हमने दोस्तों अपने तीनों आउट पॉइंटों को कनेक्ट कर दिया अपने प्रेशर पंप से, और बोलवॉल भी लगा दिए। तो दोस्तों अब हम इसमें लगाएंगे एयर के पाइप। तो जो हमारे एयर के पाइप हैं उसमें हम एक चीज़ लगाएंगे, उसको कहते हैं एयर रिलीज वॉल। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा होता है एयर रिलीज वॉल। तो जैसे हमारे एयर के पाइप हैं, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये है हमारा एयर रिलीज वॉल। इसको लगाने का फ़ायदा हमारा ये है कि जब हम प्रेशर पंप ऑन रहता है हमारा, तो पानी का फोर्स रहता है, तो इससे क्या है अपने आप बंद हो जाता है एयर रिलीज वॉल। पर लेकिन जब लाइट चली जाती है तो ये एयर को रिलीज करके नॉर्मल प्रेशर पानी का बढ़िया तरीके से दे देता है। तो दोस्तों इसका यही फायदा है, तो जब भी आप प्रेशर पंप लगाएं तो इसको जरूर लगाएं।
को हमने अपने रिलीज वॉल लगा दिए हैं, तो हम अपने प्रेशर पंप के पास एक पॉइंट बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लम्बर ने कोई पॉइंट भी नहीं दिया था जैसे छत को वॉश करने के लिए, और इससे हमारा एक फायदा हो रहा है कि हम प्रेशर को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। हमारे जो प्रेशर पंप से आउट थे वो हमने अपने आउटलाइन में कनेक्ट कर दिए। अब हम इसमें जो इनलेट है हमारे, जो हमारा मोटर से जो है हमारा प्रेशर पंप से कनेक्ट होगा, अब उस इनलेट को कनेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हम टैंक में एक होल मारेंगे ताकि, और उसमें भी एक एनआर भी देंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है रिटर्न आ जाता है पानी तो प्रेशर पंप ऑन रहता है, तो इसमें भी एक एनआर भी लगाएंगे हम इसके अंदर। तो दोस्तों हमारा फिटिंग का काम अब कंप्लीट हो गया है, तो अब हम इसकी वायर जोड़ रहे हैं, जो हमारा ऑटोमेटिक पंप कंट्रोलर है उसका मोटर से वायर जोड़ रहे हैं, और फिर इसको हम स्टार्ट करके दिखाएंगे आपको प्रेशर। तो अभी हम इसको टेम्परेरी तार जो है हमारा जो वायर है उससे जोड़ रहे हैं, बाद में हम यहाँ पर इसका स्विच लगाएंगे, और इसके ऊपर शेड भी बनाना पड़ेगा क्योंकि बारिश वगैरह होगी तो मोटर खराब हो जाएगी, तो इसके ऊपर शेड भी बनाना जरूरी है। तो अभी हमारी मोटर ऑन हो गई है, तो हम अभी आपको प्रेशर दिखाते हैं इसमें, क्योंकि अभी टैंक भी हमारा ज़्यादा नहीं भरा है। तो ये देखिए अभी पानी का, देखिए अब देखिए कितना तेज फोर्स आ रहा है। तो हम अपने जो पंप है, जो हमारी मोटर है और जो हमारा ऑटोमेटिक पंप कंट्रोलर है उनको भी टेस्ट कर लेते हैं कि वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने टैप को बंद किया तो हमारा पंप कंट्रोलर और मोटर दोनों बंद हो जाने चाहिए, तो ये हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। हम एक बार फिर से इसको बंद करेंगे टैप को, फिर चेक करेंगे, तो ये हमारा दोनों चीज़ बंद हो जा रही है, मोटर भी और कंट्रोलर भी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और तब तक के लिए नमस्कार।